मतलब मैं पत्ते वाली चाय नहीं पीता ना, तो इसलिए मेरे को नहीं पूछा आज। मैं भाई ये तो खाली एक बहाना है, लेकिन रीजन ये है कि आज काम नहीं गया ना सुबह सुबह, तो इसलिए नहीं पूछा होगा ना। एक बकरी के ना तीन बच्चे हुए हैं, देखो एक दो तीन। ये ब्याई है दूसरी वाली कालू हमारी, और 2 बजे देखो ये वाली बकरी भी ब्याने लग गई। एक बच्चा इसका हो गया है और दूसरा बच्चा अभी और हो रहा है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो दोस्तों आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह 6:30 बजे से। वो क्यों हो रही है पता है? पापा आए बाहर से, बोले उठ फटाफट उठ वीडियो बना। मैंने किस चीज़ की वीडियो? बोल रहे तू आ तो सही बाहर, तो आ वीडियो तो बना। तो मैं जाता हूँ बाहर और मुझे पता नहीं किस चीज़ की वीडियो बनानी है, लेकिन पापा बोल रहे हैं कि यार वीडियो बना आज। शायद हमारे घर पर ना आजकल छोटे छोटे मेहमान बहुत आ रहे हैं, आप लोग समझ रहे होंगे, तो शायद उसी का वीडियो बनाना होगा। तो यार मैंने बताया भी था आपको पिछले व्लॉग में शायद कि यार अब ये बकरियाँ जो है ना ब्याने वाली है, शायद बकरी का वीडियो बनाना होगा, क्योंकि आवाज़ जैसी आ रही है, मम्मी भी बोल रही है कि बकरी ब्या रही है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ बाहर, क्योंकि पापा का बिजनेस का जो पिटारा है ना वो खुलने लग गया है और ग्राफ जो है ना ऐसे करके ऊपर चल रहा है। ग्राफ तो समझते हो गए आप, तो ऐसे करके ग्राफ जो है ना ऊपर चल रहा है, तो बिजनेस का पिटारा जो है खुल रहा है, तो उनको भी खुशी हो रही है। तो इसलिए बोल रहे कि यार वीडियो बना। और एक चीज़ और है ना, मैं जब बकरी पालन की वीडियो डालता ना तो शायद मतलब नंबर डालता तो अपना कॉल आ ही जाते हैं, मतलब कितने लोग तो हमसे खरीद के भी ले गए। तो इसलिए भी पापा को भी एक मतलब ग्राहक मिल जाते हैं कि यार कोई खरीद के ले जा रहा है, और मेरी भी वीडियो बन जाती है, तो उससे फ़ायदा हो जाता है कि मेरे को फ़ायदा हो जाता है कि मेरी वीडियो थोड़ा सा लोग देख लेते हैं और पापा का बिज़नेस जो है आगे बढ़ जाता है, मतलब कि ग्राहक जुड़ जाते हैं पापा से। तो इसलिए जो है ना उनको लग रहा है कि यार वीडियो बनानी चाहिए, तो मेरे को बुला रहे हैं और मैं लेके चलता हूँ आपको बाहर, और पहले दिखाऊंगा मौसम, उसके बाद जाऊंगा मैं गोट में। यहाँ देख रहे हो सुबह सुबह रील का तस्कर लौंडे को, क्या है भाई ये है? क्या है ये रील बन रही है सुबह सुबह इंस्टाग्राम पर, रील बन रही है, देख रहे हो दोस्तों। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ बाहर, और बात करें मौसम की तो मौसम अभी कुछ ऐसा हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं अभी 7 और सूर्यदेव ने भी जो है दर्शन दे दिए हैं पहाड़ों के बीच से, और अभी जो है ठंड के दिन स्टार्ट हो गए हैं। तो दोस्तों मैं अभी आ गया हूँ अपनी मम्मी के पास। भाई जिस दिन काम होता ना उस दिन तो हमें चाय भी ले जाती है, लेकिन आज चाय के लिए नहीं पूछा, देख रहे हो, आपने देखा होगा पिछली वीडियो में, काम के लिए भाई चाय जरूर आती है, लेकिन आज मुझे बिल्कुल नहीं मिला। पति खीते अच्छा, तो वैसे पत्ती है दूध की तेज पत्ती भाई। अच्छा, मतलब मैं पत्ती वाली चाय नहीं पीता ना, तो इसलिए मेरे को नहीं पूछा आज। मैं भाई ये तो खाली एक बहाना है, लेकिन रीजन ये है कि आज काम नहीं गया ना सुबह सुबह, तो इसलिए नहीं पूछा होगा ना। चल हेलो भाई। हेलो तो यार अभी मम्मी से मिला देना, अब लेके जाता हूँ आपको बकरी के गोट में, अब दिखाऊंगा मैं क्या हो रहा है हमारे बकरी के गोट में, क्या कर रहे हैं पापा, तो लेके चलता हूँ। तो दोस्तों सुबह सुबह जो है ना हम लोग उठे, और उठते ही हमें एक खुशखबरी मिली है। खुशखबरी क्या मिली है देखो, और एक चीज़ और दिखा दूँ, एक बकरी के ना तीन बच्चे हुए हैं, देखो एक दो तीन, भाई एक बकरी है और तीन, मतलब कि आज से जो है ना हमारी हमारे गोट में बकरियों की जनसंख्या बढ़नी स्टार्ट हो गई है। अब क्या होगा कि हमारे यहाँ हर चौथे पाँचवें दिन जो है ना बकरियाँ ब्यानी स्टार्ट हो जाएंगी, हमेशा यही होता है। अभी तक तो हमारे यहाँ ये वाले बच्चे घर में रहते थे, अब ये वाले जंगल जाने स्टार्ट हो जाएंगे और अब रहेंगे ये वाले घर पर। सबसे बड़ा बच्चा जो सबसे पहले हुआ है वो दूध पीने के लिए तैयार है, और उससे छोटा वो बैठा है, और उससे छोटा वाला जो है अभी सोया है, अभी ये दूध पिएगा, उसके बाद वो दूध पिएगा, उसके बाद वो दूध पिएगा। बट क्या है कि थन दो हैं और बच्चे तीन हो गए हैं। तो दोस्तों बकरी के बच्चे तो हो गए हैं तीन, और उसका काम जो भी है पापा और मम्मी लोग करेंगे बच्चों का काम, और मैं आ गया हूँ अभी छत पे। तो अब जो है हमारे छत में जो है ना बाउंड्री वगैरह जो बन रही है, इसमें मुझे पानी वगैरह डालना है, मैं डालता हूँ पानी, और तब तक आप इंजॉय करो इस हमारे खूबसूरत से गांव के नज़ारे को। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं 10 और फिर से आ गया हूँ मैं अपनी
बकरी के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को देखने। और ये वाली बकरी तो मैंने आपको दिखाई दी थी जो सुबह 7 बजे भी आई थी, और अभी जो है ना 10 बजे के टाइम पे एक बकरी और भी आई है। तो उस छोटे बच्चे से भी मैं आपको मिलाता हूँ। ये भी आई है दूसरी वाली कालू हमारी। तो कालू का जो है ना एक छोटा कालू फिर से हुआ है। हाँ कालू, ये देखो ये है लड़का। तो अब जो है ना हमारी बकरियाँ ब्यानी स्टार्ट हो गई हैं, और अभी तक जो था वो छोटे बच्चे जो थे जंगल नहीं जा रहे थे, और अब जो है इनको रखेंगे उस वाले पे और उनको अब जो है जंगल भेजना स्टार्ट कर देंगे। और तब तक आप ये देखो ये कितना अच्छा हो रहा है, एकदम ऑल ब्लैक, जेड ब्लैक के साथ साथ ऑल ब्लैक भी है। तो दूध पिएगा ना? दूध पिएगा, रुक जा। हाँ तो इसको मैं पिलाता हूँ दूध। आजा 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 ले, ये देखो पीले 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 पीले। हाँ कालू दूध पीले। तो यार देखो जानवर के बच्चे कितने अच्छे होते हैं और कितने फुर्तीले होते हैं। अभी इसको हुए 1 घंटा नहीं हो रहा है और चलने भी लग गया है, और दूध भी अपने माँ का दूध भी पीने लग गया है। आजा 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 ले, ये देखो। हाँ ले 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 ले, पीले पीले ये वाला। हाँ अभी उसे थोड़ा समझ भी नहीं आ रहा है। हाँ ले, ये है ये है ये। हाँ पी ले बाबा। अच्छे लगते हैं यार मुझे ये छोटे बच्चे ना, बहुत बहुत अच्छे लगते हैं। और कितना फुर्तीला भी हो रखा है ये वाला। तो जो वाली बकरी है उसका भी एक बच्चा, तो उसका भी फुर्तीला है। और उसके हुए थे दोस्तों 3 बच्चे, जो कि 2 बच्चे तो उसके सुरक्षित हैं, और तीसरा बच्चा जो था ना होते वक्त ही थोड़ा सा कमज़ोर हुआ था तो वो मर गया है। तो दोस्तों इसको तो मैंने दूध के लिए लगा दिया है, ये तो दूध पीने लग गया। और अब मैं ले चलता हूँ दूसरी वाली बकरी के पास, क्योंकि उन बच्चों को भी दूध पिलाता हूँ। ये आजा भाई, ये हुआ है तोता परी। हाँ पी ले, आजा तू भी आजा। ये भी एकदम ऑल ब्लैक है देखो। ज़्यादातर बच्चे ना हमारे यहाँ ऑल ब्लैक होते हैं, तो तुम भी पियोगे। आजा तू भी पी। ये देखो रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, ले ले। तो दोस्तों इस वाले के समझ में तो पहले से आ रखी थी दूध कैसे पीना है, और अब जो है ना बहुत देर तक मैंने लगाया, और अब ये भी इसके भी समझ में आ गई है कि दूध कैसे पीना है। लेकिन फिर भी किसी किसी टाइम छोड़ दे रहा है और ढूंढ ले रहा है फिर भी थनगोए। ये देखो फिर से उसने ढूंढ लिया है और पीने लग गया है। तो अभी क्या होगा ना कि एक बार सुबह पिलाया और एक बार अभी फिर से पिला दिया, अभी थोड़ी देर बाद फिर पिलाएंगे। और अब 2 बकरियाँ आज भी आ गई हैं, और शायद 2-4 दिन में भी आते रहेंगी। और बकरियाँ हैं हमारे पास लगभग 35 से 40 अभी। दोस्तों जैसे कि आपको मैंने दिखाया था सुबह 7 बजे के टाइम पे ये वाली बकरी भी आई थी, और उसके बाद जो है ना 11 बजे के टाइम पे वो बकरी वो वहाँ पे बंधी है, वो वाली बकरी है। और अभी बज रहे हैं 2, और 2 बजे देखो ये वाली बकरी भी आने लग गई है। एक बच्चा इसका हो गया है और दूसरा बच्चा अभी और हो रहा है। पता नहीं इसके भी कितने बच्चे होंगे, आप लोगों को दिखाऊंगा जितने भी होंगे। आप लोग बने रहना वीडियो पे। 2 बजे के टाइम पे हम लोग ना बकरी खोलते हैं, तो बाकी सारी बकरियां खुल गई हैं, और ये बकरी शायद अभी जंगल जाएगी कि नहीं जाएगी पता नहीं। और एक बकरी वहां पर बांधी है वो भी, और अभी देखो तीसरी बकरी यहाँ पर बिहारी है, ये तो शायद नहीं जाएगी जंगल आज। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा था कि यार सुबह एक बकरी भी आई, फिर उसके बाद दूसरी बकरी भी आई, फिर तीसरी बकरी भी आई, और तीनों बकरी जब भी आई तो उनके बच्चे हुए थे पूरे 6। और पहली वाले के जो 3 बच्चे हुए थे ना उसमें एक लास्ट वाला जो बच्चा था वो हो गया था ख़त्म, मतलब। और बचे हैं अभी 5, और 5 के 5 जो है ना वो सारे के सारे लड़के हैं। तो जिसको भी लड़के चाहिए होंगे आज से 5 से 6 महीने बाद मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं नंबर नीचे मेंशन कर दूंगा। और आज के व्लॉग को जो है ना मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगले नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जागी रया मेरो यो।